हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शर्मा जी इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक्स और यूपी पॉलिटेक्निक्स से रिलेटेड बुक्स के बारे में कि हमें किस बुक से तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या मेन मेन इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है। सिंपली आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ बुक के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्रकाशन हैं जो कि छापते हैं बुक बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बुक्स के ऊपर। तो हमारी लिस्ट में पहले नाम पर आता है अरिहंत का बुक। अरिहंत पब्लिकेशन के जो बुक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं आप सभी यूपी पॉलिटेक्निक या बिहार पॉलिटेक्निक वाले के लिए। इसके साथ साथ ये अनेक राज्यों में भी जो पॉलिटेक्निक संस्थान है वहाँ पे जो भी इंट्रेंस एग्जाम निकलते हैं उन सभी के लिए जो भी बुक है काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी खासियत यानी विशेषताएँ के बारे में। तो इसकी सबसे मेन स्पेसिफिकेशन है वो है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको इसमें MCQ ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं हर एक चैप्टर से, जितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं इस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, उन सारों का सबसे पहले आपको विषय सूची मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंगली हर एक चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ आपको MCQ क्वेश्चन मिल जाता है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के 2 वाले क्वेश्चन या 3 वाले क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में देखने के लिए मिल जाएंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि वो जो क्वेश्चन होते हैं वो स्मृति पर आधारित होते हैं जो कि कलेक्शन किए जाते हैं बच्चों द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तो आगे तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड लिस्ट में हमारा जो है बुक का नाम वो है यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा छापी जाती है एक बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए गाइड आती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइड है आप सभी लोगों के लिए। इसकी क्या है खास स्पेसिफिकेशन, तो इसमें जो है आपको वन लीनियर अप्रोच मिलता है। जैसे मैं आप सभी को बताता हूँ कि क्या है वन लीनियर अप्रोच और आपको क्यों पढ़ना चाहिए सभी वन लीनियर अप्रोच के, क्या इसके महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला जो है वन लाइनर जो बातें हैं, आपको एक ही लाइन में आपको 2 क्वेश्चन को बना सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था। और इस बुक की सबसे खास जो विशेषताएं यही है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा वन लाइनर अप्रोच देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ आपको इसमें MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक के साथ आपको प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन बैंक देखने के लिए मिलता है, जो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारा थर्ड नंबर लिस्ट पे आता है उपहार पब्लिकेशन छापे गए बिहार पॉलिटेक्निक की यह किताब काफ़ी इंपॉर्टेंस है जो कि आप सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। और ये जो है टॉप अभी तक जितने भी बुक्स हैं टॉप बुक्स में एक नंबर पे इसका लिस्ट जो है मैं तैयार कर रहा हूँ। उसे मैं बताऊँ कि इसमें सभी जो बुक्स हैं इनमें कौन सी सबसे टॉप बुक है अभी आगे। तो ये जो बुक है उपहार पब्लिकेशन की, जिसमें आपको वन लाइनर अप्रोच के साथ साथ आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ मिलती है, साथ ही साथ आपको ब्रैकेट्स में बॉक्सेस में आपको देखने के लिए मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंस टिप्स और ट्रिक्स, साथ ही साथ उसमें इंपॉर्टेंस टर्म्स देखने को मिलता है, MCQ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलता है, वन लाइनर अप्रोच देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस अपने साथ लेकर के आती है। फोर्थ नंबर पर हमारा जो पब्लिकेशन है वह उपकार पब्लिकेशन, इंडिया का सबसे मोस्ट सेलिंग पब्लिकेशन जो है, बहुत ज़्यादा इसके जो बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। इसकी जो खास स्पेसिफिकेशन है इसके जो पेज की क्वालिटी वगैरह है बाइंडिंग बुक्स के वो काफ़ी अच्छी होती हैं, साथ साथ इसकी लिखावट है प्रिंटिंग है बहुत अच्छी है। इसके साथ ही आपको कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ देखने को मिलते हैं, आपको MCQ क्वेश्चन देखने के साथ मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपसे 4 पब्लिकेशन के बारे में बात किया, जिसमें 4 पब्लिकेशन के नाम क्रमशः अरिहंत, यूनिक, उपकार और उपहार पब्लिकेशन था। तो अब बात यह आती है कि इन सारे बुक्स को तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इनमें से किस बुक को हम लोग खरीदें। तो सबसे पहले अकॉर्डिंगली बात करेंगे इसके एक्यूरेसी के ऊपर कि किस बुक की जो एक्यूरेसी है यानी शुद्धता जो है ज़्यादा है, जिसमें लिखावट बनावट और जितनी इसमें शुद्धता पाई जाएगी वो किस बुक में ज़्यादा होती हैं। तो सबसे पहले लिस्ट पे हमारा आता है उपकार पब्लिकेशन, उसके साथ ही साथ अरिहंत पब्लिकेशन। ये जो दोनों पब्लिकेशन के बुक हैं इनमें बहुत ही एक्यूरेसी होती है यानी कि शुद्धता बहुत ही ज़्यादा होती है और आपको कहीं भी एरर देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेकंड नंबर पे आता है हमारा उपहार पब्लिकेशन। उपहार पब्लिकेशन में भी आपको एरर बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगी, मतलब गलतियाँ उसमें बहुत कम देखने के लिए मिलेंगी। और हमारा तीसरा नंबर पे आता है हमारा यूनिक पब्लिकेशन, जिसमें आपको थोड़ी बहुत गलतियाँ देखने के लिए मिल जाती हैं बट उतनी नहीं देखने के लिए मिलेंगी। अब बात हो गई एक्यूरेसी के अकॉर्डिंगली, हम बात करेंगे स्टडी मटेरियल पर, किसमें सबसे ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स दिए गए हैं और कौन इस बुक से ओवरऑल सबसे अच्छा बुक्स कौन सा है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जो है सबसे ज़्यादा स्टडी मटेरियल आपको दिया गया है उपहार पब्लिकेशन में। इसमें आपको वन लीनियर अप्रोच और उसके साथ साथ MCQ और भी कुछ पॉइंट्स जो हैं बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं उस बुक्स में, और ये थोड़ा सा मोटा बुक है और
अगर प्राइस रेंज की बात करें तो सभी की जो प्राइस है वो 300 के लमसम, यानी कि अप्रॉक्स 300 के सभी प्राइस के अंडर ही आ जाते हैं, 10-20 रुपये आगे पीछे हो सकता है। अब बात करते हैं कि अरिहंत और उपकार पब्लिकेशन की बुक क्या ख़राब है। नहीं, एक मैंने पिछले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है, उस समय प्रकाशित हुए थे अरिहंत की बुक, तो मैंने, अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो आपको आई बटन पे वो मिल जाएगा, जरूर जाकर देखिएगा। जिन लोगों ने वो बुक खरीद लिया है पछताने की आवश्यकता नहीं है, आप एमसीक्यू की तैयारी करते रहिए, और इन्हीं सारे बुक से जरूरी नहीं है कि आपका जो एग्जाम हो क्लियर हो जाएगा। उसके साथ ही मैं और भी टिप्स लेकर के आऊँगा आपके पास। देखते रहिए फ्रेंड्स, शर्मा जी इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल, मिलते हैं अगले वीडियो, तो के लिए नमस्कार।